जुड़ चुके हैं आपके साथ अगली सनसनीखेज और धमाकेदार खबर को लेकर। खबर है कासगंज से, जहां पर फिर से एक बार शिक्षा विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि केजीबी विद्यालय में 31 लाख रुपए का हुआ है घोटाला। शासन के एक पत्र ने शिक्षा विभाग की उड़ा के रख दी है धज्जियां। देखिए हमारी खास खबर। प्रदेश के 18 जिलों में कस्तूरबा विद्यालयों में छात्राओं के भोजन के नाम पर गोलमाल में कासगंज जिले का नाम भी शामिल है। जिला में 31 लाख रुपए का गोलमाल किए जाने के आरोप हैं। शासन से इस संबंध में शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया है। इसके बाद से विभाग में खलबली मच गई। जिले में 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में लगभग 800 छात्राएं पंजीकृत हैं। ये विद्यालय पूरी तरीके से आवासीय योजना के कारण उनमें शिक्षारत छात्राओं को भोजन, स्टेशनरी, साबुन, तेल व अन्य जरूरी सामान के लिए शासन से बजट दिया जाता है। कोरोना काल के चलते स्कूल बंद चल रहे हैं। 11 फरवरी से 31 मार्च तक के बीच पोर्टल पर छात्राओं की उपस्थिति की सूचना शून्य दर्शाई गई है, जबकि छात्राओं पर खर्च की धनराशि 31 लाख रुपए निकाली गई। इस सूचना के बाद शासन ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा के विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा है। शासन से मांग के जवाब के बाद से विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग ने विद्यालयों से लिपिक आदि की पूरी रिपोर्ट BSADC बालिका शिक्षा सहायक एवं वित्त लेखा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर सहित 15 जून तक साक्ष्यों के साथ मांगी गई है। मैम, एक घोटाले का मामला सामने आया है, क्या है मामला? राज्य परियोजना कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है कि प्रेरणा पोर्टल पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जो छात्राएँ हैं उनकी उपस्थिति जो है वो प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो व्यय किस क्रम में हुआ है, तो इसी संबंध में जो है वो जांच की जा रही है। लेखाकार और वार्डन से सब पत्र आजात मंगाए गए हैं और उसका परीक्षण किया जा रहा है। अब इसके बाद यदि कोई मामला ऐसा संज्ञान में आता है कि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।